अगर आपको भी YouTube या Facebook को लाइक और सब्सक्राइब करने के नाम पर पैसे कमाने का ऑफर आ रहा है तो आप सतर्क हो जाइए। जालसाजों ने ठगी का एक नया तरीका खोज निकाला है जिसमें वो अपने शिकार को लाइक के नाम पर पहले पैसे देते हैं और फिर भरोसा जीतने के बाद लाखों रुपए का चूना लगा देते हैं। हाल ही में मुंबई, जमशेदपुर, लखनऊ जैसे शहरों में पढ़े लिखे लोग इस ठगी का शिकार बने हैं। समझिए इस रिपोर्ट से। आपके पास अगर YouTube या Facebook के कंटेंट को लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए पैसे देने का ऑफर आता है तो सावधान हो जाइए। तत्काल समझ जाइए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। YouTube और Facebook पर लाइक और सब्सक्राइब करने का ये फर्जीवाड़ा आजकल पूरे देश में धड़ल्ले से चल रहा है। मुंबई, जमशेदपुर, लखनऊ जैसे शहरों में पढ़े लिखे लोग इसी तरह की ठगी का शिकार हो गए। दरअसल ये जालसाज ताना बाना ही ऐसा बुनते हैं कि शिकार लालच में आकर उनके जाल में आसानी से फंस जाता है और जब तक वो कुछ समझता है उसका बैंक अकाउंट साफ हो चुका होता है। इसी तरह की ठगी का ताजा मामला मुंबई से सामने आया है जहां एक महिला को वर्क फ्रॉम होम के नाम पर एक मैसेज मिलता है कि यूट्यूब पर हर एक लाइक पर उसे 50 रुपए मिलेंगे। महिला को 3 लाइक करने पर 150 रुपए मिले भी। महिला का जैसे ही विश्वास बढ़ा उसके पास फोन आता है कि उसका काम और बढ़ सकता है, इसके लिए उसे कुछ पैसे जमा करके मेंबरशिप लेनी होगी। महिला ने ये पैसे जमा भी कर दिए। इसके बाद ठगों पर महिला का भरोसा बढ़ता गया और जैसे ही महिला का भरोसा परवान चढ़ा जालसाजों ने उसके खाते से 10 लाख रुपए की रकम उड़ा डाली। ठगी के दूसरे तरह के मामले की अगर बात करें तो इसमें भी लाइक और सब्सक्राइब करने के नाम पर कैशबैक का ऑफर दिया जाता है। जालसाज सोशल मीडिया यूजर्स को एक निश्चित रकम जमा करने के लिए कहते हैं और उस पर 30% की कमाई होने का दावा करते हैं। इसके लिए यूजर्स को टेलीग्राम से जुड़ना होता है। एक ऐसे ही मामले में ठगी के शिकार शख्स से 1000 रुपए जमा करवाए गए, बदले में उसके खाते में 1300 रुपए आ गए। भरोसा बढ़ा तो शख्स ने और पैसे जमा किए और उस रकम पर भी 30% बढ़कर मिले। जब तक ठगी के शिकार शख्स को खुद के ठगे जाने की बात पता चलती तब तक वो अपने 27.5 लाख रुपए गंवा चुका था। कुछ जालसाज लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए क्रिप्टो देने का लालच देते हैं तो कुछ पीड़ितों को ठगों की कमाई को प्रदर्शित करने के लिए एक लिंक पर जाने के लिए कहा जाता है ताकि दूसरे लोग भी उनकी कमाई से प्रभावित नेटवर्क से जुड़ सकें। जैसे ही यूजर्स ठग के जाल में फंसते हैं उनका बैंक खाता साफ हो जाता है। इस तरह के मामलों में पुलिस ने जांच में पाया कि कई वेबसाइट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई ग्रुप्स इस तरह के काम में लगे हुए हैं। कुछ का तो सीधा कनेक्शन चीन से पाया गया है जिनके सर्वर चीन से मिले हुए हैं। फिलहाल तो आपको इस तरह की नई ठगी से बचने की जरूरत है। समझ लें कि पैसा कमाने का कोई आसान या शॉर्टकट तरीका नहीं होता, इसलिए ऐसे मैसेजेस को इग्नोर करें, अपनी निजी जानकारी किसी से साझा ना करें, लालच के चक्कर में ऐसे किसी लिंक पर ना जाएं जहां पैसे कमाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने का ऑफर हो। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको इन फर्जी लाइक्स या सब्सक्राइब वाली ठगी से बचाने का काम कर सकते हैं। जालसाज आपको ठगने के लिए रोज नया जाल बिछाएंगे, लेकिन एक बात साफ है कि कहीं पर भी आसान कमाई नहीं है। कोई भी आपको फ्री में पैसे नहीं देगा, इसलिए लोभ और लालच में ना पड़े और सतर्क रहें। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।